ये आज अध्यक्ष जी कौन है? जी प्रोफेसर पीटर शार्फ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पीटर जी हिंदी समझते हैं? समझता ओ, अति उत्तमम। तो देखिए, मैं एक दो शब्द कहूंगा, फिर ओवर टू यू। सबसे जी। पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि IIS में हमने कुछ प्रयास किए हैं कि ऐसे शोध कार्यों को हम प्रोत्साहित करें, समर्थन करें, जो कि पहले ज्यादा होते नहीं थे। तो उनमें जी से एक बलराम जी का शोध कार्य है, जो कि प्राकृत भाषा और साहित्य पर है। ये हमारे लिए एक बहुत गौरव की बात है, क्योंकि एक समय था पूरे भारतवर्ष में, और मैं समझता हूँ भारतवर्ष के सरहदों के परे प्राकृत चलती थी। कैम्बोडिया तक प्राकृत चलती थी, अफगानिस्तान में प्राकृत चलती थी। और आजकल हम प्राकृत के बारे में बहुत कम जानते हैं, और एक कारण तो उसका ये है कि प्राकृत के माने क्या है, यही हम सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये एक भाषा थी, या अनेक भाषाओं को हम प्राकृत कहते हैं, या जो पांच छह जो प्राकृत भाषाएं आती थी, अर्धमागरी, शौरसेनी वगैरह वगैरह, महाराष्ट्री, इनको हम प्राकृत कहते हैं, या संस्कृत जो हमारे बहुत ग्रेटेस्ट कहलाते प्ले राइट कालिदास जी के, इसमें जो महिलाएं और आम लोग बोलते हैं वो प्राकृत हैं, या ये सब प्राकृत है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये ऐसे सवाल हैं जिन पे मुझे यकीन है कि बलराम जी बात करेंगे। लेकिन मुझे दूसरी बहुत दिलचस्प बात लग रही है इनके शोध कार्य में, जिसके बारे में मैं कुछ एक चीज एक दो शब्द कहना चाहता हूँ। वो ये कि वो एस्थेटिक्स, यानी जो हमारा सौंदर्य शास्त्र है, उसमें मुझे लगता है कि बलराम जी का शोध कार्य प्रकाश डालने वाला है। तो राजशेखर में भी प्राकृत का कुछ मेरे ख्याल से उल्लेख आता है, आचार्य जी हेमचंद्र जी के, आप मेरे से अच्छा जानते हैं। मैं थोड़ा सा ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चारुता की आपने जो टॉपिक में बात करी है, अलंकार शास्त्र हमारे यहाँ चल रहा था बहुत सालों से, तो मुझे लग रहा है कि बलराम जी का जो शोध कार्य है, ये पूरे चिंतन परंपरा में एक बहुत बड़ा योगदान देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और पीटर जी, आप धन्यवाद प्लीज इसका संचालन कीजिए, इस सत्र का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग, एक ही चीज मैं और कहूंगा कि मिनिस्ट्री की, MHA की कुछ एडवाइजरी आई थी जूम को लेकर के, हालांकि ये सबसे सुलभ एक माध्यम कहा जाता है, तो एडवाइजरी के अनुसार हम इसको शिफ्ट करने जा रहे हैं। वो अगली बार शायद हम एक दूसरे सिस्को के प्लेटफॉर्म से हम एक दूसरे से मिल पाएंगे, लेकिन आज के लिए जूम है। तो प्लीज पीटर जी, आप इसका संचालन कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनता रहूंगा, मैं अपना माइक म्यूट कर रहा हूँ। धन्यवाद सर। बलराम, आप शुरू कर सकते हैं। सब सबको पता है वो प्राकृत विषय में काम कर रहे हैं। चतुर्मुख मुखाम भो जवन हंस वधूर मम मानसे रमताम नित्यम सर्वशुक्ला सरस्वती सुवर्णो रो सारुण पड़िमा संकंत गोरी मुहांदम गहियग्घ पंक अम्बीय संझा सलिलं जलिम नमः। आदरणीय निदेशक महोदय, सभाध्यक्ष महोदय तथा उपस्थित सभी ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ अध्येता गण, सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ संस्थान को, विशेष रूप से निदेशक महोदय को, जिन्होंने प्राकृत साहित्य से संबद्ध इस परियोजना को स्वीकृत किया। और प्राकृत जिसको मिडिल इंडो आर्यन लैंग्वेजेस का की संज्ञा भाषा वैज्ञानिक देते हैं, वो मिडिल में होने के नाते मध्यमणि की तरह है या देहली दीप की तरह है। जैसे गांव में
देवली एक बड़ी सी होती है, उसके ऊपर दिया रख दिया जाए तो वो आगे और पीछे, बाहर और भीतर दोनों ओर प्रकाशित करता है। इसी तरह से प्राकृत भाषा और प्राकृत साहित्य हमारे हमारे प्राचीन यानी ओल्ड इंडो आर्यन भाषाओं के लिए और जो न्यू इंडो आर्यन भाषाएं हैं उनके लिए, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों की भाषाओं को, साहित्य को, दोनों की सांस्कृतिक चेतना को ठीक ठीक समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे विद्वानों की ये मंशा थी कि संस्कृत पढ़ने वाले और हिंदी इत्यादि आधुनिक भाषाओं को पढ़ने वाले प्राकृत को जरूर पढ़ें। इसलिए संस्कृत के जितने विभाग बनाए गए, संस्कृत एवं प्राकृत भाषा विभाग बनाए गए। लेकिन धीरे धीरे प्राकृत का अध्ययन समाप्त हो गया। वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसमें, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है वो आलस्य और संकोच, एक एक जो कॉन्ट्रैक्शन है विद्वानों में दोनों ओर, ओल्ड इंडो आर्यन को पढ़ने वाले संस्कृत या हिंदी को पढ़ने वाले, हिंदी को तो वो जन्मदात्री ही है इसलिए उसको बहुत आवश्यक है पढ़ना, लेकिन संस्कृत को भी अगर ठीक से हमें समझना हो तो प्राकृत के बिना हम उसको ठीक से नहीं समझ सकते। ये प्राकृत पढ़ने के बाद में दृढ़ अवधारणा बनी और सारे विद्वानों का भी यही कहना है। तो जो मेरी शोध परियोजना है वो प्राकृत कविता की चारुता के विषय में है, उसके सौंदर्य के विषय में है। भाषा का जो सबसे सुंदर प्रयोग होता है वो साहित्य में होता है, और साहित्य ग्राह्य होता है, कविता ग्राह्य होती है अपनी चारुता के कारण, अपने सौंदर्य के कारण। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, ऐसा वामन ने कहा है। तो प्राकृत कविता जो है वो संपूर्ण भारतीय साहित्य में बहुत अधिक प्रशंसित है, और विशेष रूप से उसकी प्रशंसा की गई है इस दृष्टि को लेकर के जिस प्रकार भारत के प्राचीन गांवों की जो सुषमा, जो सुगंध, जो सौंदर्य प्राकृत कविता में है वो संस्कृत में नहीं है और अन्य किसी भी साहित्य में संभवतः नहीं है। जो महाराष्ट्रीय प्राकृत में गोदावरी नदी के तटों पर होने वाले केली विलास या उसमें जो हलवाहों के गीत हैं वो अन्यत्र मिलने दुर्लभ है। तो ये हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो हम मेरा शोध मेरी शोध परियोजना है वो प्राकृत की एक अन्य विशेषता को लेकर के है, और वो बहुत महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि वो भाषिक, प्राकृत के भाषिक सौंदर्य से संबंधित है। प्राकृत की अपनी भाषिक विशेषताओं, अपनी जो फोनेटिक चेंजेस हैं या अपने मॉर्फोलॉजिकल जो अल्टरेशंस हैं जो उसको ओल्ड इंडो आर्यन से अलग करती हैं, उसके नाते जो होमोनिम्स, जो अनेकार्थी शब्द प्राकृत में एक साथ बल्क में पैदा हो गए, उसको लेकर के हमारे प्राकृत कवियों ने क्या अद्भुत सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न किए हैं, उन चमत्कारों को ध्यान में रखते हुए या उन चमत्कारों को विषय बनाते हुए ये अध्ययन हमने प्रस्तावित किया है। तो प्रस्तुत शोध जो है प्राकृत कविता के उन विशिष्ट सौंदर्यात्मक स्थलों की पहचान और उनके परीक्षण से संबद्ध है जो प्राकृत की अपनी भाषिक विशेषताओं से प्रयोजित है। मतलब ये है कि संस्कृत में जितना सौंदर्य है वो सारा प्राकृत इनहेरिट करती है, लेकिन प्राकृत में स्वयं भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण विशिष्टताएं हैं जिसके कारण प्राकृत जो है वो ट्रांसेंड कर जाती है संस्कृत कविता को। और संस्कृत, हम आगे देखेंगे कि संस्कृत की छाया, संस्कृत का अनुवाद प्राकृत के उन सौंदर्यों को उद्घाटित करने में समर्थ नहीं हो पाता है। तो जैसा कि पता है विद्वानों को, प्राकृत जो मध्यकालीन भारतीय भाषाएं हैं, मिडिल इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, उनकी रचना, वांग्मय रचना का जो काल है वो 600 ईस्वी पूर्व से माना जाता है, और ये भाषाएं ओल्ड इंडो आर्यन के बाद विकसित हुई, जिसके कारण उनमें एक विशिष्ट ध्वनि परिवर्तन हम देखते हैं। और इन ध्वनि परिवर्तन, नवीन ध्वनि परिवर्तन जब किसी भाषा में होते हैं तो उन भाषाओं में कविता के सौंदर्य के उपकरण भी कुछ बदल जाते हैं, छंद बदल जाते हैं। जैसे संस्कृत का जो छंद है अनुष्टुप या वेद का जो छंद है गायत्री, प्राकृत में वही छंद नहीं है, प्राकृत में गाथा है।
और जब हम आगे आते हैं तो वो अपभ्रंश काल में दोहा इत्यादि छंद आ जाते हैं। कारण ये है कि उन उन भाषाओं के बदलने से हम सौंदर्य का आधान करने वाले जो उपकरण हैं वो भी कवियों को खोजने पड़ते हैं और वो बदल जाते हैं। साथ ही अगर नया साहित्य अपनी परंपरा का पोषण करते हुए प्राचीन साहित्य के सभी सौंदर्य आधायक उपकरणों को ग्रहण कर पाता है तो वो साहित्य की दृष्टि से बहुत ही सबल माध्यम बन करके उभरता है। प्राकृत के विषय में हमें इसी तथ्य का मूल्यांकन करना है कि जो प्राकृत कविता है वो संस्कृत के सभी विशिष्टताओं से परिपूर्ण है, साथ ही साथ उसमें अपनी कुछ नवीन विशेषताएं हैं और ये नवीन विशेषताएं जो उसके अपनी फोनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन या फोनेटिक प्रणाली के कारण आ पाई है वो उसकी अपनी विशेषताएं हैं जो संस्कृत जिसकी अदायगी नहीं कर सकता। तो ये हमारी शोध परियोजना विशेष रूप से है। एक चीज बहुत विवादास्पद है कि संस्कृत और प्राकृत में पौर्वा परे क्या है, इस विवाद में नहीं पड़ते हुए एक चीज निश्चित है, संस्कृत और प्राकृत शायद समांतर भाषाएं रही हों लेकिन प्राकृत का जो साहित्य आता है वो निश्चित रूप से संस्कृत के बाद में आता है और इस कारण प्राकृत साहित्य को एक बहुत बड़ा लाभ मिलता है। और वो क्या कि उसमें जितनी अभिव्यक्तियां हैं, जितनी मुहावरे हैं, जितने डिक्शन हैं, पोएटिक डिक्शंस हैं, उपमान विधान है, काव्य रूढ़ियां हैं, यानी जो पोएटिक कन्वेंशंस हैं, छंद की विचित्रता है, आलंकारिक उपादान है, वो सारे प्राकृत कविताओं को मिल जाते हैं, प्राकृत कवियों को मिल जाते हैं और प्राकृत कवि उसको बरतते भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ प्राकृत कवियों को अपनी कुछ मौलिक विशेषताएं जो प्राकृत कविता की हैं उसकी अच्छी तरह से पहचान प्राकृत कवियों को है जिनका वो प्रयोग करते हैं। अब हम एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण के लिए एक संस्कृत में दो शब्द हैं, पायस और पदम। पायस मतलब पानी, पद का मतलब पद के बहुत से अर्थ होते हैं, पद का मतलब पदवी भी, पोस्ट। अब प्राकृत में पद और पय दोनों पय बन जाते हैं। मैं उसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी में नहीं जाऊंगा, मुझे लगता है कि ये स्क्रीन शेयर मैं करूं अगर तो ये बात स्पष्ट होगी। जैसे देखिए ये स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है क्या? मुझे लगता है स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है ना? दिखाई दिखाई देता है। जी 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 जी। तो जैसे उदाहरण के लिए पय शब्द है, उसके दो अर्थ हैं, पद यानी जल भी और पद भी। लेकिन यह संस्कृत में नहीं हो सकता, पय शब्द में श्लेष प्राकृत में ही संभव है और इस श्लेष के कारण जो उपमा अलंकार का विधान है वो केवल और केवल प्राकृत में ही हो सकता है। जैसे अब उसका उदाहरण वो है, मेहा इव जो दो जीहा पयम समासा यून अई कलुषा। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो मेघ की तरह होते हैं, मेघ बादल की तरह होते हैं। बादल, जब बादलों में पानी आ जाता है तो वो अत्यंत कलुषित हो जाते हैं। तो ये पदम समासायुण यानी ये मेघ के पक्ष में जल पा करके, जब बादलों में जल आ जाता है तो बादल बड़े ही काले, स्वच्छंद गमनशील और सबको परेशान करते हैं। दुष्ट लोग भी जब किसी पोस्ट पर आ जाते हैं, पद को पा जाते हैं, तो दुष्टों के पक्ष में देखिए पदवी अर्थ है पदम। और ये श्लेष है और श्लेष के कारण जो उपमा उत्पन्न हो रही है वो संस्कृत में उत्पन्न नहीं हो सकती। देखिए संस्कृत में स्वच्छंद गमनशीला संस्कृत और प्राकृत में दोनों में समान है। तो संस्कृत जो है वो प्राकृत जो है वो संस्कृत की सारी परंपरा को एक्सप्लॉइट कर सकती है, उसका उपयोग कर सकती है। लेकिन संस्कृत की छाया अगर आप करें तो ये या तो आप पदम कहना पड़ेगा या पयह करना पड़ेगा, जिसके नाते ये श्लेष नष्ट हो जाएगा। तो ये प्राकृत कवियों का सिग्नेचर जैसा है। प्राकृत कवि समझते हैं कि हमारी भाषा में ये बड़ी भारी विशेषता है, इसलिए बार बार इसका प्रयोग करते हैं। कुछ उदाहरण और मैं दूंगा, कुछ भाषा से उदाहरण दूंगा जिससे ये बात
और स्पष्ट हो सकेगी। कुछ मराठी के उदाहरणों को भी मैंने इसमें किया है। जो मराठी भाषा है वो प्राकृत की से बहुत सारी चीजें लेती है। जैसे उदाहरण के लिए मयूर पंत बहुत बड़े कवि हैं और वो सारी परंपरा उनमें स्पष्ट दिखाई पड़ती है। मुझे लगता है शेयर हो रहा होगा। उनकी केकावली का एक श्लोक है, अति प्रिय सुख प्रद प्रथम तू मुदम भो दया। अब यहाँ या का मतलब है आओ, शंभो दया। ये नीचे जो है वो पूरी तरह से संस्कृत की परंपरा को लेके आ रहे हैं और ऊपर जो है वो पादांत यमक जो है मोरो पंत की बड़ी विशेषता है, वामन की भी बड़ी, वामन पंडित की भी बड़ी विशेषता है। तो अंभोदया और शंभोदया ये दोनों जो है वो प्राकृत की एक तरह से प्राकृत है और एक और जो है वो संस्कृत। अब ये देखें, लोपा मुद्रेशी तिशी शब्दमाला झाल्या अर्पू त्याच सर्वोत्तमाला। ये शब्दमाला जो है वो संस्कृत का शब्द है, लेकिन सर्वोत्तमा और ला जो है वो प्रत्यय मराठी का प्रत्यय। लेकिन आप देखें ऊपर, बंधु नि श्री राम संसार साक्षी ज्याचे अंकी जानकी सार साक्षी। यहाँ संसार साक्षी सार साक्षी दोनों संस्कृत के हैं। तो जो मेरा एक इसमें हाइपोथेसिस ये भी है कि बात वाले जो साहित्य है वो ज्यादा चमत्कारी, ज्यादा सौंदर्यवान और ज्यादा समृद्ध हो सकते हैं, और वो हुए भी हैं। अगर हम प्राकृत को देखें या हम मराठी जो प्राकृत के बाद आती है उस जूनी मराठी को हम प्राकृत भी कहते हैं, तो हिंदी में भी बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं और इसका प्रयोग कवि करता ही है। उदाहरण के लिए जैसे हमारा ये बिहारी है, नाक बास बे सरी लहियो बसी मुक्तनु के संग। अब इसके इसके इलैबोरेशन में नहीं जाऊंगा मैं। नाक शब्द के दो अर्थ है, नाक एक तो नाक है नासिका नोज और एक नाक स्वर्ग है। अब बिहारी जब लिख रहे होंगे तो निश्चित रूप से नाक का मतलब कोई स्वर्ग नहीं समझता होगा, सब नासिका ही समझते होंगे। लेकिन लोक की जो स्मृति होती है उसकी अपेक्षा कविता की स्मृति बहुत ही समृद्ध होती है। तो कवि की स्मृति जो है, कवि लोक की स्मृति से ज्यादा स्मृतिमान होता है और उसके नाते उसका प्रयोग करके अपनी कविता को समृद्ध और चमत्कारी बनाता है। ये जगती जगती की मूक प्यास जो आप देख रहे हैं वो महादेवी वर्मा की है। जगती संसार है, जगती मतलब जागती हिंदी में। तो इस तरह के उदाहरण प्राकृत में, प्राकृत से शुरू होते हैं जो दो भाषाओं को एक साथ लेकर के चलते हैं, दो भाषिक परंपराओं को लेकर के चलते हैं। एक बहुत सुंदर सा गाथा सप्तशती का श्लोक है, गोरा शब्द है और एक गोरा है। एक गोरा का मतलब गोरज और दूसरे गोरा का मतलब है गौरव। तो राधा की आंखों में धूल पड़ गई है और कृष्ण उसको मुंह से फूंक करके हटा रहे हैं। तो कवि कहता है कि राधा की आंखों से तुम गोरज गायों से उठी हुई धूल को हटाते हुए साथ ही साथ दूसरी गोपिकाएं जो तुमको उतनी ही प्रिय मानती हैं उनके गौरव का हरण कर रहे हो। इसका मतलब कि अब इसमें जो सौंदर्य आया है वो इसलिए आया है कि गोरज और गौरवम दोनों का गोरा ही प्राकृत में बनेगा। अब इसमें असंगति अलंकार का सुंदर उदाहरण है, एक जगह काम करता हुए व्यक्ति दूसरी जगह काम नहीं कर सकता, लेकिन कृष्ण राधा की आंखों से गोरज हटाते हुए गोपिकाओं के आंखों से भी गोरज हटा रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं इसमें। तो मुझे लगता है कि ये बात जो मैं करना चाह रहा हूं, अध्ययन करना चाह रहा हूं, वो स्पष्ट होगा प्राकृत भाषा की विशिष्टताओं के कारण, अपनी विशेषता के कारण, अपने फोनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, विशिष्टता के कारण जो संस्कृत जो प्राकृत के कवियों ने अपनी कविता को सुंदर बनाने का उपक्रम किया है वो इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। अब शोध का क्षेत्र और उसकी मर्यादा के विषय में हम चर्चा करेंगे।
प्राकृत जैसा कि शुरुआत में निदेशक महोदय ने किया कहा, प्राकृत एक अपने आप में एक बहुत समेकित टर्म है बहुत सारी भाषाओं के लिए, और उसका कम से कम 1500 वर्ष तक 600 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक वो व्याप्त है। तो मैं किस विषय में कार्य करूंगा, क्योंकि सब पर कार्य करना तो संभव है और नहीं आवश्यक है, क्योंकि कभी उसके लिए रॉ मटेरियल हमें नहीं दे सकते। तो तीन तरह के प्राकृतों को बताया गया है। प्रथम प्राकृत, फर्स्ट जो प्राकृत कहा गया है वो पाली को कहा गया है, पाली और अशोक के जो अशोक के शिलालेखों में है या अश्वघोष के नाटकों में है। वो पाली जो है उसमें मुख्यतया बहुत सारा अंश धार्मिक साहित्य का है, धार्मिक वांग्मय है, और ललित साहित्य नहीं है, बहुत ही कम ललित साहित्य है जिसमें इस तरह के चमत्कारों को खोजना बहुत ही कठिन है, भूसे में सुई की तरह की तलाश की तरह है, इसलिए हम इसको विषय नहीं बनाएंगे। पाली का बहुत ज्यादा प्रयोग साहित्य के लिए किया भी नहीं गया, तो इसको हम छोड़ देंगे, यद्यपि पाली को प्रथम प्रकार की प्राकृत कहा जाता है। तीसरे तरह का की प्राकृत जो है वो अपभ्रंश को माना जाता है। अपभ्रंश का काल जो है वो 5वीं शताब्दी से लेकर के 1000 सहस्राब्दी तक है। उसमें बहुत सुंदर साहित्य है, केवल धार्मिक साहित्य ही नहीं, अब्दुल रहमान का संदेश रासक वगैरह जैसे ग्रंथ हैं बहुत सुंदर सुंदर, लेकिन इनको हम शोध की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए इनको भी छोड़ देंगे, इस तृतीय प्रकार की प्राकृत को। तो हमारा जो प्राकृत है जिस पर हमें कार्य करना है वो द्वितीय प्राकृत हम लेंगे। दूसरी प्राकृत किसको कहते हैं, इसको हम साहित्यिक प्राकृत कहते हैं। अधिकाधिक साहित्यिक उपयोग जो किया गया है वो इसी प्राकृत का किया गया है। इसकी व्याप्ति विद्वानों ने पहली शताब्दी से लेकर के 5वीं शताब्दी तक माना है, लेकिन हम आगे देखेंगे कि बाद में जैसे संस्कृत कविता, संस्कृत जब लोक भाषा नहीं रही उसके बाद हजारों हजार वर्ष तक, सैकड़ों सालों तक उसको उसमें कविता लिखी जाती रही और उच्च कोटि की कविताएं लिखी जाती रही, इसी तरह से प्राकृत भी थी। प्राकृत में जब लोक भाषा नहीं रही प्राकृत, तब भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कविताएं लिखी गई। जिस जगह प्राकृत नहीं बोली जाती रही वहां भी कविताएं लिखी जाती रही, जैसे केरल में, जैसे तमिलनाडु में, जैसे 18वीं शताब्दी में राम पाणिवाद जो है वो लिख रहे हैं, बहुत सारे महाकाव्य खंड काव्य लिख रहे हैं। वेदांत देशिक जो इतने बड़े विशिष्ट अद्वैत के दार्शनिक हैं, वो अच्युत शतक नामक इतना सुंदर सा ग्रंथ लिखते हैं, वो तमिलनाडु के हैं, जो प्राकृत का क्षेत्र भी नहीं है, जो प्राकृत का समय भी नहीं। तो हम उन सबको लेंगे जैसे हम संस्कृत को लेते हैं। इन द्वितीय प्राकृतों में भी सारी प्राकृतें साहित्यिक नहीं है। जैन महाराष्ट्री, अर्धमागधी और जैन शौरसेनी, इनमें इनको हम नहीं लेंगे, क्योंकि इनमें मुख्यतया जैनों के धार्मिक साहित्य लिखे गए हैं। एक तो आगम साहित्य लिखे गए अर्धमागधी में, और श्वेतांबरों ने जो अपने कथा ग्रंथ लिखे वो जैन महाराष्ट्री में है। जैन शौरसेनी जो है वो दिगंबरों द्वारा प्रयुक्त है, तो इसको हम नहीं लेंगे। इसका कारण ये नहीं है कि हमें उससे कोई वैर है, इसका कारण यह है कि, और ये भी कारण है, एक शोध को सीमित करना है, अपितु इसका मुख्य कारण यह है कि शोध के लिए उपयोगी सामग्री उसमें नहीं है। तो हमें जो लेना है वो महाराष्ट्री प्राकृत मुख्यतया लेना है। महाराष्ट्राश्रयाम भाषाम प्रकृष्टम प्राकृतम विदुहु, महाराष्ट्र में जो बोली जाती थी भाषा वो सबसे सुंदर प्राकृत थी, सबसे ज्यादा कविताओं के लिए प्रयुक्त होती थी। नाटकों में जो प्रयुक्त है आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा शौर्यसेनी प्रयुक्त है, लेकिन जब भी कविता लिख, जब नायिका बोलती है तो वो मागधी में बोलती है, लेकिन जब वो गाती है तो वो महाराष्ट्री में गाती है, क्योंकि महाराष्ट्री प्राकृत जो है वो सबसे सुंदर प्राकृत माना जाता है, जाता रहा है, और उसके बहुत सारे कारण हैं जिन पर हम संभवतः समय नहीं रहेगा। तो हम जो जिन प्रमुख ग्रंथों को लेंगे वो ग्रंथ हम देख सकते हैं, ये मुझे लग रहा है दिखाई पड़ रहा होगा, ये प्रमुख ग्रंथ है गाथा सप्तशती, सेतुबंधम, गौडवहो, तारायणो, वज्जालग्गम, छप्पन्नय गाहाओ, गाहारेण कोस, जिनेसर सूरिका, लीला वही, कर्पूर मंजरी जो कि पूरी तरह प्राकृत का नाटक है जिसको टसटक कहते हैं, कूर्म शतक, भोजदेव का, कुमार पाल चरित,
अब देखिए इसके बाद जो आ रहे हैं वो प्राकृत का वस्तुतः समय नहीं है, वो प्राकृत के बाद का समय है। अच्युत शतकम, चंद्रलेखा, आनंद सुंदरी, ये सब उषा अनिरुद्धम, ये 18वीं शताब्दी का ग्रंथ है। कंस वह श्रृंगार मंजरी इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ये केवल नाम गिनाने के लिए है। और इसमें बहुत सारे ग्रंथों को मैंने पढ़ लिया है, चूंकि मैं पहले से कार्य कर रहा था और इसलिए अधिकाधिक ग्रंथों को सम्मिलित किया जाएगा ताकि प्राकृत की ये विशिष्टता अच्छी तरह से स्पष्ट हो करके लोगों के सामने आए। जैनों के जो कथा साहित्य है उन कथा साहित्य में भी कुछ ऐसे, यद्यपि वो गद्य में है लेकिन उनमें कुछ पद्य ऐसे सुंदर सुंदर आते हैं जो कि उन कथाओं से भी हजारों साल पुराने हैं। और उनमें जो सुंदर शब्द होंगे, जो सुंदर गाथाएं होंगी, उन गाथाओं को हम खोजने की चेष्टा करेंगे अगर समय हुआ तो। बहुत सुंदर कथाएं हैं, जैसे धूर्ताख्यान है, समराइच कहा हरिभद्र सूर्य की, कुवलय माला कथा, वासुदेव हिंडी उपदेश माला, विलासवती कथा, पृथ्वी चंद चरितम, प्राकृत पैंगलम एक बहुत सुंदर छंद शास्त्र का ग्रंथ है जिसमें बहुत उदाहरण है, सुर सुंदरी चरियम इत्यादि। तो ये शोध की मर्यादा हुई, किन चीजों पर मुझे शोध करना है, किस परिधि में शोध करना है, तो साहित्यिक प्राकृतों में ही मुख्य रूप से शोध करना है। तो अवधारणाएं जो है वो क्या है इस शोध की, सबसे पहली बात यह कि संस्कृत और प्राकृत दोनों संरचनात्मक और काव्यार्थ की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने निकट हैं कि सामान्यतया लोगों का ये विचार है और ऐसा होता भी है। प्राकृत के किसी भी साहित्य का अध्ययन आज भारत में संस्कृत की छाया से होता है, संस्कृत के अनुवाद से होता है। सीधे प्राकृत हम जैसे शाकुंतलम में शकुंतला का जो की बात है वो कालिदास ने प्राकृत में लिखी है, लेकिन हम प्राकृत में नहीं पढ़ते उसे, क्योंकि हम मानते हैं कि संस्कृत में पढ़ने से वो काम हो जाएगा। और 90% ये बात सही भी है, लेकिन वो 10% जो है वो प्राकृत की जो अपनी विशिष्टता है उसके नाते बहुत बार सौंदर्य आते हैं जिस जो केवल संस्कृत का आसरा लेने पर छिप जाते हैं। तो उसको उन्मीलित करना इस शोध की विशिष्टता है, और ये तब होता है जब उसकी विशेषताओं, प्राकृत की अपनी विशेषताओं के कारण प्राकृत संस्कृत के भाषिक ढांचे को अतिक्रांत कर देती है। इसका कारण यह है कि जैसा कि मैंने बताया, मध्यकालीन भारतीय भाषाओं में बहुत सारे नए होमोनिम्स आ गए, और जैसे कई शब्द अगर प्राकृत का कवि कहे तो कई का मतलब कपि भी हो सकता है, कवि भी हो सकता है, और कति भी हो सकता है। गत का मतलब गय भी हो सकता है, गज भी हो सकता है, गद भी हो सकता है। सु का मतलब शुक भी हो सकता है, श्रुत भी हो सकता है, सुत भी हो सकता है। और एक बहुत सुंदर सा महार्थ मंजरी ग्रंथ है कश्मीर शिवाद्वयवाद में, वो कश्मीर शिवाद्वयवाद का वो ग्रंथ जो है वो लिखा गया है प्राकृत में। वो पूछ रहे हैं तुमने संस्कृत में क्यों लिखा, संस्कृत में क्यों नहीं लिखा, प्राकृत में क्यों नहीं लिखा। तो महेश्वरानंद जो है वो कहते हैं कि क्योंकि प्राकृत में ज्यादा अवसर है अर्थों को बताने के। अगर मैं कहूं कि चित्त शब्द कहूं तो चित्त का मतलब केवल मन नहीं होगा, चित्त का मतलब प्राकृत में चित्र भी होगा। तो चित्र जैसा चित्त, ये अर्थ मैं बता पाऊंगा, जो कि कश्मीर शिवाद्वयवाद में जो कि बहुत ही कलात्मक दर्शन है उसके लिए विशिष्ट भी है। तो ये स्थितियां प्राकृत में आती हैं जो उसको विशिष्ट बनाती हैं। तो इसमें ये दो स्थितियां हैं, पहले की चर्चा तो हो चुकी है वो फोनेटिक। दूसरी चीज जो है, प्राकृत में देशज शब्द बहुत अधिक है, देसी शब्द वे होते हैं जिनका मूल संस्कृत में नहीं होता, जो तत्सम नहीं होते। उदाहरण के लिए अत्ता, अत्ता मतलब सास, संस्कृत में कहते हैं शश्रु, लेकिन एक्चुअली अत्ता जो है वो सास संस्कृत में तो हम कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो सास नहीं है। अगर हम देखें मराठी में तो शब्द है आत्या, आत्या जो है वो बुआ के लिए भी होता है, और वो जो निकट के विवाह हुआ करते थे उसकी ओर सूचना देता है, जो कि संस्कृत में नहीं है। तो कुछ स्थितियां जरूर ऐसी हैं, कुछ परसेंट, 10% सही, 7% सही, जो कि प्राकृत मात्र में पर्यवसित होती हैं। तो इस शोध का दृढ़ अवधारणा है, जैसे कि मैंने कहा कि इस प्रकार के काव्यात्मक चमत्कार की संभावना, काव्यात्मक समृद्धि की जो संभावना है, वो संभावना बाद के साहित्य में बढ़ती जाती है। जैसे मैंने
उदाहरण मराठी का दिया, ब्रजभाषा का दिया या हिंदी का दिया। तो भारत में ऐसा हमेशा होता रहा है। भारत में दो प्रकार की भाषिक वातावरण हमेशा से रहे हैं, एक संस्कृत एक प्राकृत, एक संस्कृत और एक संस्कृतेतर। तो जैसे पुरानी हिंदी को या पुरानी मराठी को लोग प्राकृत ही कहते थे, तो प्राकृत एक कोई वस्तुतः भाषा के तौर पर नहीं है, एक भाषिक प्रवृत्ति भी है, टेंडेंसी भी है। संस्कृत भी भाषिक टेंडेंसी की तरह ही है। तो साहित्य की ये घटना सार्वभौमिक और सार्वकालिक है। भारतीय साहित्य जिसमें साहित्य का अविच्छिन्न, साहित्य और भाषा दोनों का अविच्छिन्न प्रवाह है, वो हम देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे भाषिक और साहित्यिक विकास के कालखंड सौभाग्यवश सुरक्षित है। तो प्राकृत और संस्कृत के बीच वर्णित तथा प्रतिपादित इस भाषिक एवं साहित्यिक परिघटना का उपयोग भारत के सभी कालखंडों में विद्यमान भाषा और साहित्य के विषय में किया जा सकता है, और इस अवधारणा को प्रस्तुत शोध से और भी दृढ़ भूमि प्रदान की जाएगी। प्रविधि जो है वो इसकी मेथडोलॉजी क्या होगी, इस शोध की प्रकृति इस प्रकार है कि इसमें अध्ययन तीन स्तरों पर एक साथ किया जाएगा। कैसे कि प्राकृत साहित्य का विलोडन करके, आलोडन करके, उसमें जो अभीष्ट गाथाएं हैं या काव्यांश हैं उसका चयन करेंगे पहला स्तर, उस पर ध्वनि परिवर्तन के नियमों को भाषा विज्ञान या प्राकृत व्याकरण के अनुसार परीक्षण करेंगे, और फिर तीसरा जो है वो काव्य शास्त्र के निकष पर, जो भारतीय काव्य शास्त्र का निकष है उस पर उनके चारुत्व का विश्लेषण, ये तीनों एक साथ किए जाएंगे। इसके साथ एक और योजना है जो कि निदेशक साहब ने उस समय इंटरव्यू के समय ही कहा था और मैंने पहले से इसको शुरू ही कर दिया था, वस्तुतः यही काम पहले वाला था, वो ये कि प्राकृत की जो 1500 वर्षों का साहित्य है, जो नॉन कैनोनिकल सेक्युलर ललित साहित्य है, उसकी सुंदर गाथाओं का संकलन अभी तक नहीं हुआ है, कम से कम आधुनिक युग में नहीं हुआ है। तो उनका जो भी संकलन हुआ है वो जैन मुनियों ने किया है, जो नैतिक धार्मिक और नीरस पद्यों का संकलन किया है, जो वस्तुतः सुंदर और साहित्यिक पद्य हैं उनका एक संकलन होना चाहिए, और लगभग 1000 पद्यों का मैंने संकलन कर भी लिया है और विश्वास है कि और सुंदर पद्यों का संकलन इसके साथ साइमल्टेनियसली किया जाएगा। अब कुछ शोध की समस्याएं जिनकी चर्चा हम करेंगे, और वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो प्राकृत और संस्कृत से के विवाद से संबद्ध है। तो इस ये शोध जो है उसमें मध्यकालीन भारतीय भाषिक प्रवृत्तियों का और प्राचीन भारतीय भाषिक परंपरा जो संस्कृत है उसके मध्य परस्पर उपकार्य और उपकारक भाव की सिद्धि होगी। सामान्यतया धार्मिक और राजनीतिक तौर पर यह माना जाता है कि संस्कृत प्राकृत दोनों परस्पर विरोधी भाषाएं रही हैं, और उसमें एक जो है ब्राह्मण परंपरा की थी, एक श्रमण परंपरा की थी। ये बात बहुत ही जनरलाइज्ड है। अगर आप साहित्य के स्तर पर आते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट होता है कि प्राकृत के जितने कवि हैं वस्तुतः संस्कृत के जितने कवि हैं उनकी मातृभाषा प्राकृत है। प्राकृत के प्रति उनको अपार प्रेम उनके मन में है और वो प्राकृत में ग्रंथ भी लिखते हैं। साहित्यिक भाषाओं के राजनीति के पार जाकर के समेकित होने का बिंदु स्थान जो है वो साहित्य है। प्राकृत की साहित्यिक विशेषताओं का यदि पक्षपात रहित अध्ययन किया जाए तो वह भारतीय साहित्य की उसी संवेदना की वाहक सिद्ध होती है जिससे संस्कृत का संबंध रहा है। वस्तुतः साहित्य के स्तर पर, साहित्य के लेवल पे इन दोनों भाषाओं में परस्पर किसी भी तरह का जो वैमनस्य है वो दिखाई नहीं पड़ता। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कुछ लोग आधुनिक युग में प्राकृत को संस्कृत की ही तरह बहुत सारे लोग एक वर्ग विशेष से जोड़ देते हैं, और कुछ लोगों के अनुसार ये जैनों की भाषा थी या बौद्धों की भाषा थी। कल मैं पढ़ रहा था माधव देश पांडे, उन्होंने वो किया था कि ये क्षत्रियों की भाषा थी या कम पढ़े लिखे लोगों की भाषा थी। तो वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। प्राकृत जो है बुद्धों की भाषा भी थी और बद्धों की भाषा भी थी, पंडितों की भाषा भी थी, अपंडितों की भाषा भी थी। सभी प्रकार के जो परम पंडित माने जाते हैं वो भी प्राकृत को, प्राकृत में कविता लिख करके अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जैसे मैंने आपको वेदांत देशिक, इतने बड़े विशिष्ट अद्वैत के आचार्य थे, उनकी बात कही। तो सब लोगों ने इससे इसका पोषण किया और पोषण पाया। वस्तुतः प्राकृत जो है वो लोगों की मातृभाषाएं थी और सब लोग
जैसे एक भोजपुरी बोलने वाला अंग्रेजी में काम कर सकता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस भोजपुरी के प्रति उसका प्रेम कम है, इसका मतलब यह है कि वाइडर रीडरशिप या कुछ अन्य कारणों से, राजनीतिक या सामाजिक या सांस्कृतिक कारणों से वो ऐसा कर रहा है। संस्कृत के कवियों ने भी ऐसा ही किया और भारत के लिए संस्कृत बहुत महत्वपूर्ण भी थी क्योंकि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न भाषाओं को जोड़ने के लिए एक लिंगुआ फ्रैंका की आवश्यकता अवश्य थी। तो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये, रिचार्ड पिशल इत्यादि विद्वानों ने, वो बहुत बड़े विद्वान थे, प्राकृत के पाणिनि कहे जाते हैं, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्रीय प्राकृत को या जो संस्कृत की जो प्राकृत साहित्य में प्रयुक्त है उसको कृत्रिम माना है, आर्टिफिशियल माना है। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, वो जेनरलाइज्ड तो हो सकती है लेकिन वो आर्टिफिशियल नहीं हो सकती है। कारण ये है क्यों, वो उनका ये कहना है कि बीच बीच से वर्णों को निकाला गया महाराष्ट्र में ताकि वो सुंदर लगे, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात इसलिए उनका कथन अतिशयोक्तिपूर्ण है कि अगर केवल कविता में प्रयोग के लिए इन इन ध्वनियों का लोप करके महाराष्ट्रीय प्राकृत को बनाया गया होता तो उसी दिशा में परिवर्तित अन्य शब्द जो अब भी हमारी भाषाओं में मिलते हैं वे नहीं मिलते। और आप सैकड़ों उदाहरण दे सकते हैं, अब मराठी से ही हम उदाहरण देते हैं, जाति का मतलब चमेली का फूल होता है और जाई तो का जो लोप हुआ है, जाई जाई मतलब चमेली का फूल, अब भी मृदु मृदु में मऊ होता है, राजस्थानी में शीतकाल और उष्णकाल, संस्कृत में सियाड़ो उन्हाड़ो होता है, भोजपुरी में गृहकृत्य के लिए घरकच शब्द का इस्तेमाल होता है, चतुष्पाद के लिए चौवा शब्द का इस्तेमाल होता है जो कि उन्हीं ध्वनि परिवर्तनों की ओर इशारा करता है। अगर ये ध्वनि परिवर्तन वस्तुतः कृत्रिम होते तो वे साहित्य तक सीमित हो गए होते, साहित्य के आगे वो जनभाषा में नहीं आए होते, इसलिए हम इनको एक स्वाभाविक परिघटना मानेंगे, फेनोमेनन मानेंगे, और ये नहीं, क्योंकि कवि किसी भाषा में कविता लिखता है तो वो उसके लिए बनाता नहीं है, उसको हम जनरलाइजेशन जरूर कर सकते हैं क्योंकि कृत्रिम होने से कवि अपने पाठकों को खो देगा और कोई भी कवि नहीं चाहता कि अपने पाठकों को खो दे। और चौथी चीज जो मैं चर्चित कर चुका हूं कि प्राकृत के संभाषण का युग समाप्त होने के बाद भी उसमें ललित साहित्य की रचना होती रही और हम उसको अपने शोध में जरूर लेंगे। तो क्योंकि भाषा केवल अपने संभाषण के देश और काल में ही साहित्य में प्रयुक्त हुई आवश्यक नहीं है। अंग्रेजी भारत की भाषा नहीं है लेकिन अंग्रेजी में बहुत उच्च कोटि की रचनाएं होती हैं, जो जिन लोगों की मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है वो भी करते हैं, तो हम उस साहित्य को नहीं दरकिनार कर सकते। हम फारसी को देखें, फारसी साहित्य का जो सबसे बड़ा कवि बेदिल दहलवी है वो उस कालखंड में पैदा होता है जो जहादार शाह का काल था, जो जहां फारसी समाप्त हो चुकी थी, वो पटना के थे जो निश्चित रूप से उनकी मातृभाषा फारसी नहीं थी लेकिन फिर भी उसको प्राकृत का, उसको फारसी जगत का सबसे बड़ा शायर माना जाता है आज। और ईरान में तो आंदोलन है बेदिल शनासी का, बेदिल को समझने का। तो इस प्रस्तुति में बार बार प्राकृत की चमत्कारी कविता को कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि केवल कविताओं में प्राप्त जो शब्दार्थ का चाकचक्य है, जगमगाहट है, सिर्फ उसके बारे में चर्चा की जाती है, ऐसा नहीं। ये चमत्कार का मतलब जो कविता की चारुता को देखने के बाद हमारे हमारे हृदय में जो विस्तार होता है वस्तुतः वही चमत्कार है और वो रस, वो अलंकार रीत गुण रस और ध्वनि पर्यंत व्यापी है। इसे आलोचकों ने उत्तम कोटि की कविता का नाम दिया है। अब मैं थोड़ा सा समाप्त करता हूं अध्याय योजना। पहले अध्याय में साहित्यिक प्राकृत और उसकी दैशिक और कालिक, उसका जियोग्राफिकल और टेम्पोरल जो उसकी व्याप्ति है उसकी चर्चा की जाएगी और वो सारे विषय के ये जो प्राकृत है और इन प्राकृतों में जो भाषिक विशिष्टताएं हैं वो कृत्रिम नहीं है, वो लोक में प्रचलित थी, उसके बाद कवियों ने उसको लिया, तो उसके विषय में कृत्रिमता के प्रश्न इत्यादि का खंडन और प्राकृत वाग्मय का परिचय, संस्कृत के साथ उसका संबंध जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम साहित्यिक लेवल पे संस्कृत और प्राकृत के विषय में हम कोई वैमनस्य नहीं देखते हैं, ये बात हमें बहुत ही अच्छी तरह से जाननी चाहिए। शायद राजनीतिक और धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसा कुछ हुआ हो लेकिन वो हमारे अध्ययन का विषय नहीं है। तो दूसरे अध्याय में जो फोनेटिक चेंजेस हैं कवितागत चारुत्व के प्रयोजक प्राकृत की ध्वनि शास्त्रीय विशेषताएं हैं उनके उदाहरण और काव्य शास्त्रीय विश्लेषण होगा
और ये अध्याय सबसे बड़ा होगा क्योंकि संस्कृत और प्राकृत में जो अंतर है वो बस फोनेटिक अंतर है, वस्तुतः कोई सिंटैक्टिक और मॉर्फोलॉजिकल अंतर बहुत कम होता है। तीसरे अध्याय में हम मॉर्फोलॉजिकल अंतर को देखेंगे क्योंकि कहीं कहीं वो भी प्राकृत को अलग करते हैं। संस्कृत की ही तरह प्राकृत भी इन्फ्लेक्टिंग लैंग्वेज है, अपभ्रंश जो है आइसोलेटिंग लैंग्वेज है, अपभ्रंश तक आते आते परसर्गों की निष्पत्ति होने लगती है, तो वो दूसरी बात है। फिर चौथा अध्याय जो है वो कविता में जो वाक्य स्तरीय विशेषताएं हैं, सिंटैक्टिक प्राकृत की विशेषताएं हैं, उसके आधार पर जो प्राकृत का कवि सुंदरता उत्पन्न करता है उसके उदाहरणों का चयन और उसका काव्य शास्त्रीय विश्लेषण किया जाएगा। पांचवा अध्याय जो है प्रस्तुत अध्ययन का निष्कर्ष और उपसंहार किया जाएगा। ये केवल प्रमुख विचार बिंदु है, हो सकते हैं कि इसमें और भी नई चीजें जुड़े और उसको अधिक समृद्ध किया जाए। इस शोध का योगदान करके बता करके मैं इसको समाप्त करता हूँ, समय भी प्रायः परिपूर्ण हो गया है। इसका योगदान और महत्व ये है कि इस अध्ययन से प्राकृत कविता की असामान्य अभिव्यंजकता का रहस्य जो है वो अच्छी तरह से उजागर होगा और जो उसे भारतीय साहित्य में विशेष स्थान देता है। दूसरी बात, प्राकृत के इस अध्ययन में प्राकृत के अनेक ग्रंथ और उनकी गाथाएं पहली बार शोध में चर्चित होंगी। उदाहरण के लिए जो अच्युत शतक है वो बहुत सारे विद्वानों ने यह कहा कि हम नहीं जानते थे कि वेदांत देशिक भी इतनी सुंदर प्राकृत कविताएं करते होंगे, तो इससे भारतीय समृद्ध साहित्य की समृद्धि का भान और भी बढ़ेगा। आधुनिक भारतीय भाषाएं जो हैं वो सारी प्रायः प्राकृत या अपभ्रंश से उत्पन्न है, इसलिए प्राकृत को की ठीक समझ जो है वो भारत के भाषिक वितरण को ठीक ठीक और प्रकारांतर से सभी भारतीय भाषाओं की ठीक समझ बनाने में समर्थ है। प्राकृत भाषा और साहित्य वर्तमान भारतीय भाषिक समाज में संस्कृत की अपेक्षा अधिक निकट है और उसके लालित्यपूर्ण और चमत्कारी साहित्य की जानकारी प्राप्त पाकर भारतीयों को अपनी मध्यकालीन भाषाओं के प्रति, जिनका अध्ययन संस्कृत से भी क्षीण होता जा रहा है, उसके कारण अपने देशज भाषाओं के प्रति बहुमान एवं गौरव का बोध होगा। अब अंतिम कथन है, आधुनिक युग में विद्वत्ता के प्रारंभ से ही प्राकृत कविताओं पर उच्च स्तरीय शोध एवं उच्च स्तरीय एवं गहन शोध नहीं हो सकने के कारण यह विषय उपेक्षित रहा है। प्राकृत में जो शोध हुए भी हैं उनमें प्रायः धार्मिक आगम साहित्यों पर हुए हैं। प्राकृत के ललित साहित्य को प्रायः विषय नहीं बनाया जा सका है। अगर इन्हें विषय बनाया भी गया है तो केवल संपादन, जो चिकित्सित संस्करण इत्यादि है, संपादन एडिटिंग के आधारभूत स्तर पर। प्राकृत की ध्वन्यात्मक तथा अन्य भाषिक विशेषताएं जिसके कारण उसके कवि अतिरिक्त चमत्कार एवं काव्य सौंदर्य का लाभ लेते हैं, उन्हें स्वतंत्र रूप से व्यापक एवं गंभीर अध्ययन का विषय नहीं बनाया गया है। यह विषय मुख्य धारा से संबद्ध होने के बावजूद रुचि अथवा गति के अभाव में उपेक्षित रहा है। इस अस्पृष्ट एवं नवीन विषय के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष निश्चित रूप से भारतीय साहित्य एवं भाषिक एवं साहित्यिक परंपरा को मौलिक अवदान दे सकेंगे। आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरमैन साहब, मुझे एक ही छोटा सा प्रश्न पूछना है अगर आपकी अनुमति हो तो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बलराम जी। जब आप मैं सुन रहा था आपको और आपका जो विश्लेषण आप मैं सुन रहा था, मुझे एक मन में एक उत्सुकता जाग उठी, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे बहुत कम लोग ऐसे हैं जो संस्कृत जानते हैं और फारसी भी जानते हैं। उनमें से आप मेरे ख्याल से एकमेव तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुतों में एक या दो में से आप एक हैं, या बहुत ही कम लोगों में से आप एक हैं। तो मेरा प्रश्न ये है, आपने फारसी का भी जिक्र किया था, क्या हम अब जब फारसी भाषा का प्रयोग हिंदुस्तान में होने लगा दिल्ली सल्तनत में और बाद में मुगलों के समय, लेकिन सबसे पहले उस समय 12वीं शताब्दी के आसपास, तो क्या हम कह सकते हैं कि जैसे उर्दू की जो व्युत्पत्ति हुई, अनेक लोग कहते हैं कि दक्षिण में हुई और कई लोग कहते हैं कि कुली कुतुब शाह वो उसके पहले कवि थे, हाँ, या तो ऑफकोर्स खुसरो के जमाने में भी हिंदी भी चलती थी। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम उर्दू को भी एक किस्म से एक प्राकृत मान सकते हैं या नहीं, ये उस दृष्टि से देखा जा सकता है उर्दू को?
जैसा कि मैंने कहा कि भारत में हमेशा दो प्रकार की भाषिक परंपराएं रही हैं, और आप साहित्य के इतिहास को देखें, भाषा के इतिहास को देखें, तो ये प्रकट होता है। एक स्टैटिक होती है और एक जो है वो निरंतर गतिशील होती है। तो जैसे कबीर ने भी कहा, का भाखा का संस्कृत, या प्राकृत के कवि भी कहते हैं कि संस्कृत हमारे बरक्स खड़ी है। तुलसीदास भी कहते हैं के संस्कृत और मैं क्यों लिखूं। और इसका मतलब यह है कि एक भाषा जो कि हमारे साहित्य, संपूर्ण साहित्य को एक साथ लेकर के चलती है, उसको हमने बचा करके रखा है, स्टैटिक करके रखा है उसको उसी स्वरूप में, ताकि हम हमारे हाथ से वो खिसक न जाए जो ज्ञान विज्ञान है। और उसके जो बरक्स जितनी भी भाषाएं हैं उनको हम अपभ्रंश या प्राकृत कहते हैं। तो इस दृष्टि से जो प्राचीन हिंदी है, जब दयानंद सरस्वती लिखते हैं अर्थशास्त्र, जो उनका ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, वो कहते हैं कि मैं संस्कृत में नहीं लिखूंगा, मैं प्राकृत में लिखूंगा। और पुरानी मराठी को तो प्राकृत कहते ही हैं, जूनी मराठी को प्राकृत कहते ही हैं, इसी तरह से पुरानी हिंदी को प्राकृत कहते हैं, यहाँ तक कि बाद वाली हिंदी को भी प्राकृत कहते हैं। बाद में जब नए नाम आ गए उर्दू या हिंदी, इस वस्तुतः तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, रेख्ता जो शब्द है उर्दू के लिए प्रयुक्त है, उसका रहस्य क्या है? रेख्ता का मतलब ही होता है अपभ्रंश, रेज मतलब गिराना, जैसे गुलरेज मतलब फूल गिराने वाला। तो जब यहाँ ईरानियों ने ईरानी आए होंगे, उन्होंने पूछा होगा कि ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं, लोगों ने कहा है कि ये सामान्य जो भाषा है जनसामान्य की, वो अपभ्रंश है। तो अपभ्रंश का उन्होंने अनुवाद अपने अनुसार रेख्ता किया, बाद में उसी को उर्दू कहने लगे। तो निश्चित रूप से वो प्राकृत और अपभ्रंश तीसरी प्रकार की प्राकृत है ही, जिसको थर्ड काइंड ऑफ प्राकृत कहते हैं। तो हमारी जितनी भी जो जो गतिशील भाषाएं हैं वो प्राकृत भाषाएं ही हैं। तो दो प्रकार की धाराएं चलती हैं, और भारतीयों का ये बहुत बड़ी, भारतीयों की बहुत बड़ी सफलता है कि ये दोनों में समन्वय बना करके चलते हैं। एक जो संस्कृत है वो पूरी तरह से इंटैक्ट है, वेद से लेकर के और आज तक, मतलब कालिदास इत्यादि तक की सारी संस्कृत हमारे हाथ में है, वो खिसकने न जाए पाए, इसके लिए कितने सारे संस्कृत के व्याकरण बनते हैं। मतलब 2000 सालों का जो संस्कृत का इतिहास है, वस्तुतः संस्कृत के व्याकरण लिखने का इतिहास है, और आज तक संस्कृत के व्याकरण लिखे जा रहे हैं, संस्कृत के बारे में चिंता की जाती है। और दूसरी चीज जो है वो निरंतर चलती है। तो हम उर्दू को निश्चित रूप से प्राकृत ही मानते हैं, चाहे हम उस नॉमेनक्लेचर के तौर पर न माने। एक एक छोटी सी टिप्पणी, जैसे हमारे यहाँ जो इंडोलॉजी की राउंड टेबल हुई थी, तो उसमें एक बात निकली थी कि संस्कृत को भी हम एक गतिशील भाषा ही मान के लें, नहीं तो वो पाणिनीय संस्कृत, वैदिक संस्कृत और उसके बाद उसका जो इवोल्यूशन हुआ उसको हम नजरअंदाज कर देंगे। तो एक तो वो है, और दूसरी टिप्पणी ये कि जैसे आपने बहुत अच्छी तरह, सुंदर तरह से आपने समझाया कि रेखता का अर्थ क्या है, तो दुर्भाग्य से हम हमेशा जो लोक भाषाएं हैं उनको गिरी हुई ही मानते हैं। तो रेखता भी एक गिरी हुई भाषा ईरानियों के दृष्टिकोण से हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, आप प्लीज आप अपना जारी रखिए। मैं मुझे थोड़ी अपभ्रंश के बारे में एक थोड़ी सी बात कहूंगा। अपभ्रंश वस्तुतः पाणिनि ने न तो संस्कृत कहा है न प्राकृत कहा है, जब संस्कृत, ये दोनों भाषाएं जब लोक प्रचलन से बाह्य हो गई तो तब उनका नाम प्राकृत और अपभ्रंश। अपभ्रंश वस्तुतः कंट्रास्ट में नाम है, क्योंकि संस्कृत की उससे संस्कारित न हो। तो ये दोनों उस युग की बातें हैं जब संस्कृत ही लोक में न प्राकृत रही लोक में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाय मकरन, प्रयत्न है कैसे हमारे? प्रणाम सर, आपके आने से अच्छा हो गया सर। I see that Subramanian has asked a question. C.N. Subramanian, he's asked a couple of questions. Do you want to address those? He put them in the chat. आपने तीन स्तर पर विश्लेषण की बात की, ध्वनि, शब्द और वाक्य के स्तर पर। क्या रूपकों व अन्य बातों में भी प्राकृत भाषा का विशेष स्थान है, या फिर वे संस्कृत का ही अनुकरण करते हैं? प्राकृत भाषा का, हाँ ये बात शायद छूट गई। संस्कृत
कि जो नाटक है सर वो सुब्रमण्यन जी वो संस्कृत के जितने हैं उससे ज्यादा प्राकृत के हैं, उसमें 60-70% लोग प्राकृत बोलते हैं। और कभी भी भरत मुनि ने ये नहीं कहा कि मैं संस्कृत के नाटक का लक्षण करने जा रहा हूं। तो संस्कृत के नाटक कहे जाए संस्कृत के नाटक, कीथ ने कहा संस्कृत ड्रामा, परंतु वो संस्कृत ड्रामा नहीं है, वो एक भारतीय नाटक है जिसमें पाठ्य डायलॉग्स संस्कृत के भी हैं प्राकृत के भी हैं। तो बाद में ये कन्वेंशन बन गया, तो जिस तरह से संस्कृत नहीं रही लोक में, बाद में प्राकृत भी नहीं रही लोक में, लेकिन संस्कृत के नाटककार फिर भी प्राकृत में लिखते रहे। तो वो हार्ट ने माना कि दक्कन की विशिष्ट साहित्यिक संस्कृत थी जिससे सतसई और तमिल साहित्य दोनों उपजे, क्या ऐसी देशज संस्कृतियों का प्रभाव देख सकते हैं कि हालांकि पोलाक कहते हैं कि संस्कृत भी प्राकृत भी संस्कृत की तरह सार्वभौमिक साहित्य की तरह की हो गई। हाँ बिल्कुल, प्राकृत का भी संस्कृताइजेशन तो हुआ ही है। प्राकृत के बहुत सारे व्याकरण इसलिए लिखे गए और अभी भी लिखे जा रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा सुब्रमण्यन जी कि पिछली शताब्दी में प्राकृत के व्याकरण लिखे गए, प्राकृत मंजरी इत्यादि। जो अप्पय्य दीक्षित है वो भी प्राकृत के वैयाकरण है, वो प्राकृत का व्याकरण लिख रहे हैं। तो दक्षिण में बहुत सारे प्राकृत के ग्रंथ लिखे जा, प्राकृत के व्याकरण लिखे जा रहे हैं। ये क्या चीज है? ये स्टैंडर्डाइजेशन है प्राकृत का, ताकि साहित्य में उसका उपयोग हो सके। और संस्कृताइजेशन और कुछ नहीं है, भाषा का स्टैंडर्डाइजेशन ही है अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें। महार्थ मंजरी के विषय में आपकी जो जो सूचना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। महेश्वरानंद दक्षिण भारत के थे और चिदम्बरम में थे। ये बहुत सुंदर बात है कि तमिल क्षेत्र जो है, जो कि प्राकृत का वस्तुतः क्षेत्र नहीं था कभी भी, उस समय भी प्राकृत में रचनाएं हो रही हैं। तो प्राकृत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत धन्यवाद इन सारी सूचनाओं और प्रश्नों के लिए। Madhav has a question, yes. Sarvepi prashnaha samahita. Unmute yourself, Madhav. Madhav? Madhav, you're muted if you have a question. Yes. Balram ji. Ji sir. Meri jigyasa ye hai ki jis tarah aap Juni Marathi ko shamil kar rahe hain Prakrit mein, मेरे विचार से जूनी गुजराती और जूनी राजस्थानी भी उसी श्रेणी की भाषा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं तो हिंदी को भी कहता हूँ कि वो प्राकृत है। मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि मराठी बाकायदा कहते हैं कि जूनी जो मराठी है उसको वो प्राकृत नाम ही देते हैं। अगर आप मराठी के पुरानी किताबों को देखें तो वो कहेंगे जो संस्कृत का अनुवाद प्राकृत अनुवाद के साथ है, वो मराठी अनुवाद नहीं कहते हैं जनरली। बल्कि मध्यकाल में ये तीनों भाषाएं जूनी मराठी, जूनी गुजराती और जूनी राजस्थानी, बल्कि राजस्थानी नहीं मारवाड़ी, ये तीनों अलग सांस्कृतिक इकाइयां भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं। जैसे कानड़ दे प्रबंध है तो कानड़ दे प्रबंध आपके राजस्थानी का भी माना जाता है, उतना ही गुजराती का भी माना जाता है। बिल्कुल सही। एक मैं सुबह आपसे जो बात कर रहा था, मैं वो बताना चाहता था। जॉन कॉल ब्रुक का एक वो एशियाटिक रिसर्च एक आर्टिकल है। अच्छा। उसमें उन्होंने, मैंने सुबह आपने आपसे कहा था ना सरस्वती वालवाणी। अच्छा। प्राकृत शब्द की जो व्युत्पत्ति है उस पर उन्होंने प्रकाश डाला था। इसका अर्थ है, प्राकृत का मतलब है सरस्वती वालवाणी और इसका अर्थ है सरस्वती तट के बच्चों की बोली। अरे वाह, बहुत अच्छा। है बहुत लंबा चौड़ा उनका, और ये तीर भूति नरेश के लिखित साहित्य पे, साहित्य शास्त्र पर किसी लेखक ने ये टिप्पणी की थी। दूसरा, मैं मेरी एक जानकारी और जोड़ना चाहता था। मैं धुरता ख्यान और कुवलय माला, ये दोनों रचनाएं मेरी जानकारी में शुद्ध संस्कृत में। धुरता ख्यान के वर्षन है, जैसे उस दिन आपने चर्चा की थी कि ये ग्रंथ प्राकृत में था, बाद में प्रसिद्ध हुए, संस्कृत वालों ने इसका अनुवाद किया। हाँ। तो अच्छा, दूसरा एक जो टिप्पणी आपने की कि जो जितने जैनाचार्य थे, जैन यति और जैन मुनि, उन सब ने नीरस लिखा। मुझे लगता है कि इस टिप्पणी पर पुनर्विचार की जरूरत है। नहीं सर, मैंने ये कहा
कि जो एंथोलॉजी हमें करनी है वो सरस कविताओं की करनी है, आज के युग में जिन जैन मुनियों ने प्राकृत के काव्यों का संग्रह किया है, प्राकृत के पद्यों का लेखन, मूल लेखन की बात नहीं कर रहा था मैं, प्राकृत के जिन जैसे प्राकृत तरंगिणी इत्यादि जो ग्रंथ, प्राकृत की कविताओं के संग्रह के नए ग्रंथ जो आज की शताब्दी में किए गए, वो अधिकतर जैन मुनियों ने किए हैं, इसलिए वो अधिकतर आगम ग्रंथों से लिए गए हैं। और आगम ग्रंथों में दो अंतर करना पड़ेगा आपको, जैन मुनि और जैन यति। जैन मुनियों के यहाँ नीरस रचनाएं हो सकती, जैन यतियों के यहाँ नहीं है, क्योंकि वे अलग 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 प्रकृति और अलग स्वभाव के लोग हैं। दरअसल महात्मा गांधी ने जब गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की और उन्होंने बहुत सारे विद्वानों को वहां निमंत्रित किया, उनमें मुनि जिनविजय भी थे। मुनि जिनविजय ने प्राकृत और अपभ्रंश की सरस रचनाओं की पाठ्य पुस्तकें तैयार की। क्या सुंदर पाठ्य पुस्तकें, और वो पाठ्य पुस्तकें अब भी वहां पर संकलित है। मुझे लगता है थोड़ा कभी अवसर मिले तो उनका सहयोग जरूर, बिल्कुल धन्यवाद। आपसे बहुत सारी चीजें जानने का अवसर मिलेगा सर इस संदर्भ में। There are a couple of questions about the history of language, and I thought I would make a couple of remarks about historical linguistics just to clarify a few things. This may clarify also which languages may be counted as Prakrit or not counted as Prakrit, and also touches on how the Prakrit poets could have the freedom they had. So, first of all, we have to understand the history of the languages in India is extremely complex. It's at least as complex as the history of languages in Europe, because what we have is substrate languages existing in the subcontinent of India as the languages of the Indo-Aryans began to be spread in India. So the what's called Sanskrit is a higher register, we would say, a higher register of the ancient language, which we can trace back to the Rig Veda. But many people have noticed that even in the Rig Veda, there are so-called Prakritisms. In other words, the language which was naturally spoken at the time when Rig Vedic poets were composing their language, of course, even then we don't really know, because Rig Veda itself is crafted poetry. It's not natural language. But we can detect some Prakritisms in Rig Veda itself, which indicate that the language spoken at that time was of a certain sort. The Sanskrit spoken later tends to restrict itself to, let me finish, Hitendra, tends to restrict itself to the forms which are described in Paninian grammar. That is, post-Paninian Sanskrit is restricted by Paninian grammar. But Paninian grammar itself describes the language used in what is called late Vedic prose of the Shatapatha Brahmana and the Aitareya Brahmana, for example. So this the Sanskrit language is a slightly polished language in the sense that it's a higher register. The more educated people are more carefully choosing their vocabulary and forms and restricting their expressions accordingly. But most of the Sanskrit composed from Panini onwards is definitely aware of another register of the language, which could be called Prakrit. So it's a diglossic situation, which is now common in India. All of you, being educated Indians, speak at least two, or if not three or four languages. Mm-hmm. And so in this situation where you have different registers of the language spoken by
educated people. As language spreads, it also begins to diversify by region. So you have different regions speaking different dialects originally, and those dialects evolve into completely different languages in the sense that they're no longer mutually understandable by each other. But the poets, who are educated people, may be able to use vocabulary from many different registers at once in their language. And what we see in the history of Sanskrit itself is that the roots of lower registers of Prakrit and regional languages become adopted in Sanskrit itself, and the inflectional morphology of Sanskrit is tacked onto those roots. The Dhatupata of Panini is not known to us. We don't know exactly what roots he used. And that Dhatupata was expanded over two centuries. Many new roots were adopted from Prakrit and local languages into the Dhatupata, and then those inflected forms used in what is called Sanskrit. So modern Sanskrit actually, although it is restricted to the grammar of Panini, the actual words used may be very different from what were used many years ago. And when we look at the work of Sayana in the 14th century, we could call that actually, it's Sanskrit commentary on ancient Vedic texts. Okay. Both are in Sanskrit, but they are not the same language by any means. Okay, so Sayana himself is translating from ancient Vedic Sanskrit into 14th century Sanskrit. Exactly. It's also a translation. So the situation in Prakrit is even more diverse because being in the middle, as Balaram Shukla has said, it borrows from the diverse the diverse register of the Deshi Bhashas, mm-hmm. and also from the higher register of Sanskrit. Yes, and it therefore has a very rich vocabulary to draw on in making its artistry. And I think Balaram Shukla showed us quite clearly how that is used in the Shleshas in the poetry. So let me just finish by saying that deciding which language is a Prakrit and commenting on the term Apabhrangsha. Apabhrangsha is a word from the point of view of Sanskrit. Okay, it's a point of view of the ancient language. We want to say that anything that differs from Apabhrangsha means it falls away. Okay, so it's a departure. It's a departure from the ancient language. Any of the Prakrits, any of the modern languages of India can be called an Apabhrangsha. English can be called an Apabhrangsha of Proto-Germanic. Okay, so that's a term that is a directional term in history. And all of these terms, like Maharashtri Prakrit is clearly a regional term, a term of the Prakrit used in that area called Maharashtra. So when we talk about Prakrits, although anything can be called Prakrit because it's a common language at some point, defining what we mean by the different terms we use is important at any step. And the last thing I want to say is that now it slipped my mind, so I'll leave it at that. Okay, so let's see if there are others who have questions, comments. Dr. Deshpande is. Yes, and Hitendra had a question. So, hello. Can I? Am I heard? Am I heard? Hello. जी सर आपकी आवाज आ रही है. आ रही है. अच्छा मुझे दो सवाल पूछने हैं. एक तो ये है कि हम अपभ्रंश जब when we talk about प्राकृत as अपभ्रंश language और अपभ्रंशित language. So first of all, we have to think about the process of apabhrashikaran. What is the process that is involved in making any or in turning any language as
deviant, or as you know, or as apabhramsh, and so on. So the process of apabhramshikaran is something that needs to be taken into account. And second thing is that I agree with Peter Schraff that, for instance, take Puneri Marathi. I come from Pune. So Puneri Marathi is supposed to be the most pure and the most, standard Marathi. To go to, say, Vidarbha side or Marathwada side or Konkan side, then that Marathi is supposed to be less standard. So this the very idea of any language being standard is very problematic for two reasons. That what we call the so-called apabhramshic languages, they have the life of their own. They have the same biological features as is the original or say the standard language so-called. So, following our Wittgensteinian idea of language, I will suggest that this is not a comment on your project, but I this is a reflection on the very idea of apabhramshic or any language being apabhramshic language. Therefore, I said that there is I have a problem with the very idea of apabhramsh as far as language is concerned. That's one thing. बहुत महत्वपूर्ण बात की सर आपने, अपभ्रंशीकरण की जो बात है, यानी अपभ्रंश बनाना, एक्चुअली संस्कृत बनाया बनाई जा सकती है, अपभ्रंश तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। वन मिनट हेलो, सी अपभ्रंशीकरण इज नॉट नोबडी इंटेंशनली डेविएट्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड लैंग्वेज, सो देयर मस्ट बी सम अदर रीजन for any language to be called as apabhramshic language. मुझे लगता है कि एक जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसको राजनीतिक या सामाजिक या सांस्कृतिक कारणों से उसको मानक भाषा बनाया जाता है, उसके कंट्रास्ट में जो भाषा की स्वाभाविक प्रक्रिया है, परिवर्तन की प्रक्रिया, उस वो भाषा जब बदल जाती है तो उस स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज के कंट्रास्ट में उसकी अपेक्षा से हम उसको अपभ्रंश कहते हैं। वस्तुतः अपभ्रंश तो भाषा की स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाषा को रोक के रखना ये एक कृत्रिम प्रक्रिया हो सकती है, भाषाओं का बदलना ये अत्यंत स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसलिए अपभ्रंश या प्राकृत जो है वो स्वाभाविक प्रक्रियाएं ही है। लेकिन प्राकृत का भी संस्कृताइजेशन जब हुआ तो वो एक कृत्रिम प्रक्रिया, इवन अपभ्रंश का भी संस्कृताइजेशन हुआ और बाद की भाषाएं जो है अपभ्रंश का स्थान लेने लगी। तो अपभ्रंश जो नॉमेनक्लेचर जो नाम दिया जाता है, अभिधानकरण जो है वो इसके कंट्रास्ट में है, अन्यथा ये अत्यंत स्वाभाविक प्रक्रिया भाषा विज्ञान की दृष्टि से है। और भारतीय जो वैयाकरण है वो भी लगभग इस बात को मानते हैं, लेकिन फिर भी वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वैयाकरणों का काम, ग्रामेरियंस का काम ये होता है कि एक भाषा को सिखाना, इसलिए वो डाइकोटमी क्रिएट करते हैं कि एक भाषा जो है वो स्टैंडर्ड है, उसके अतिरिक्त जो भाषा है वो हमारे अनुसार नहीं है, वो अपभ्रंश हो सकती है या प्राकृत हो सकती है या लक्षणहीन हो सकती है। तो वो ग्रामेटिकल डिवाइस मात्र है, मुझे नहीं लगता कि किसी भाषा को डिग्रेड करना उसमें किसी कोई कारण रहा होगा। Let me just add something there so language change is natural, okay? As Balaram said, it's natural. So and it's natural for languages to diversify in different ways in different regions because of different substrate languages or different contacts with other languages and so forth. But as these languages diversify, what it means is that people in different regions can no longer understand each other. Mm-hmm. And so there's a constant tension in society between trying to preserve a standard by which everyone can communicate with each other and the natural development of language due to natural factors of language change. So this tension is visible throughout history all over the world. From the modern French Republic to ancient India,
And we see the same kind of forces going on, and you see it in Germany and Italy also with these different, Spain in particular is going through this situation now with Catalan and the standard Spanish dialect, as it's called. So this is something that's all over the world. And when we talk about the term apabhramsha itself, it, as I said, it just means falling away, and you always have to define it with falling away from what? From lakshana. That's from, yeah. From that's standard it's, language. It's falling away from some prior source that was shared, but and then there's a force that tries to combat that falling away, such as the grammarians, which try to get everybody to stick to certain forms so that they communicate. Now, one thing that's interesting that happened in India is that in the time of Ashok, we had a Prakrit language that was understood all over India. But as time went on, the Prakrit, as it was in different regions, diversified so that it was no longer mutually understandable and became not just different dialects, but different languages. So Marathi is no longer understood by Bengalis and vice versa. So in this kind of situation, the reason that Sanskrit came back as the lingua franca, let's say, of India, is that at that higher register, there was one language which was understood all over India and still is all understood all over India among those who learn Sanskrit. So the forces of change have their own effects in the community. And in India, so we see this with the diversification of languages into regional languages. The reason that Prakrit has gone out of usage is because the higher register, the Sanskrit register, is still being promoted by certain elements of society for the reasons of access. The reasons having people learn Sanskrit means having access to more ancient Sanskrit texts. And that means to a whole body of knowledge, which is extremely important. And similarly, one could say, well, we want to have people have access to the Prakrit productions. And so there should be some motivation to continue that language education to allow people to have access to the literature of that was composed in Prakrit. Thank you so much, sir, for your Patil, sir, was... Dr. Balram, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? जी सर, बिल्कुल. सबसे पहले बधाई आपको और इतना सुंदर इस चीज को समझाया कि मुझे जिसको कुछ कुछ जानकारी नहीं है इन सब चीजों के बारे में उसको भी सारी बातें समझ में आ गई. लेकिन एक दिक्कत भी पैदा, ये अत्यंत महत्वपूर्ण काम है, इसलिए नहीं कि इसमें भाषा विज्ञान के लोगों की दिलचस्पी है, बल्कि इसमें हम अपने अतीत को कैसे देखेंगे इसके बहुत सारे बिंदु भी उभर कर आने लगे हैं आपके काम में. क्योंकि जैसा पीटर ने कहा और जैसा देशपांडे सर कह रहे थे, ये जो संस्कृत है हायर रजिस्टर जिसको कहा जा रहा है और जो उससे इतर नेचुरली जो भाषा थी उसके बीच को इतिहास में हम लोग एक खास तरीके से देखते हैं. और आपकी रीडिंग में जो तीन प्राकृत की बात आई जो आपने अपने एब्स्ट्रैक्ट में भी लिखा है, जिसमें पहला जो है आपने दूसरे पे फोकस किया है, अगर मैं आपको ठीक समझ पा रहा हूँ. बिल्कुल, वो साहित्यिक है, चूंकि जो साहित्यिक प्राकृत आप कह रहे हैं जी. और जिसको राहुल जी द्राविड़ भाषा प्राकृत काल कहते हैं, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो. अच्छा, तो ये जो समय है, अभी पीटर बोल रहे थे कि एक अशोक के काल में जो भाषा थी प्राकृत थी उसको सभी लोग समझ लेते थे, लेकिन ये जो साहित्य बना
ये साहित्यकाल हैं आपकी सुविधा के लिए, हमारी अपनी सुविधा के लिए, उसमें भाषा विकास इस रूप में हुआ कि फिर एक जोन का आदमी दूसरे जोन के आदमी की बात नहीं समझ पा रहा है, नहीं समझ पाता बिल्कुल जी। मतलब चमत्कार ऐसा हुआ कि चमत्कार सार्विक नहीं रह गया भाषा के स्तर पर, एक बात तो ये नोट कर ली। और दूसरी बात जिसको हारा साहब कह रहे थे वो बहुत इम्पोर्टेंट लगी मुझे, जो कि आपका ध्यान फिर से उस पर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो विभेद बनाया जा रहा, जो धर्म और धर्मेतर, और जो जिसको ललित की तरफ जोड़ के देखा, ललित और सुंदरी के बीच का जो अंतर है, आप उससे परिचित होंगे ही, तो ये जो चीज है ये अंतर थोड़ा आर्बिट्ररी लगता है मुझे। इस पर आप हारा जी के साथ, मेरा भी मानना है कि आप इसको थोड़ा ध्यान से, यति वाला जो मामला है उसको थोड़ा ध्यान दें। बिल्कुल सर। तीसरी बात मैं चाहता हूँ, बगैर सोचे समझे एक सहृदय पाठक की तरह, कि ये जो विवाद है हमारे यहाँ भाषा के मामले में, कि एक संस्कृत और एक छांदस जिसको हम लोग द्वितीय संस्कृत कहते हैं, राहुल जी इसको ऐसे ही बताते हैं कि संस्कृत के दो रूप थे जिसका दूसरा रूप वो 6th century BC से ट्रेस करते हैं, अगर आप उनसे परिचित हैं। कि जो दूसरा संस्कृत है और पहला संस्कृत है, इसके बीच में भी एक कोई बात है जो हम लोग प्राय भूल जाते हैं, ये एक बात आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। और अंतिम बात जो है वो है हमारी अपनी समझ के लिए, क्योंकि आप कहानी को बहुत आगे तक ले आए हैं, आप 6th century में नहीं रुक रहे हैं, आप उसके आगे जा रहे हैं जी। ये दोहाकोश में जो राहुल जी कह रहे हैं उससे भी इसकी कहानी जुड़ती है, आपकी बात जो आप जनरलाइजेशन कर रहे हैं। राहुल उन्होंने एक बात कहने की कोशिश की है और वो कहानी आपके पैरेलल चल रही है। अभी पीटर जो कह रहे थे लगभग वही बात जो है राहुल सांकित्य ने भी कही है, लगभग वही बात। अब पता नहीं उनके अपने होंगे, लेकिन पीटर की बात बिल्कुल इको हो रही है राहुल की बात जो कही गई है। तो ये जो प्राकृत एक है, प्राकृत दो है और प्राकृत तीन है, जिसको अपभ्रंश कह करके राहुल ने उसके साथ हिंदी और भारतीय भाषाओं को जोड़ा है, आपकी कहानी में सिर्फ द्वितीय प्राकृत पर केंद्रित रहे तब एक बात आती है, लेकिन आप जी जब तृतीय पर आप आ जाएंगे तो फिर आपको कई चीजों के साथ और भी जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी साहित्य का कोई इस बात से परेशान हो उठेगा कि जब हम हिंदी को ट्रेस हैं तो हम प्रायः जो है तृतीय जो जो जिसको प्राकृत कहते हैं, कोई अपभ्रंश जिसको तृतीय प्राकृत कहें या अपभ्रंश कहें, क्योंकि कालिक दृष्टि से वो हिंदी से ज्यादा नजदीक है। अपभ्रंश के दो चरण है, पहला चरण और उत्तर अपभ्रंश, मैं परिचित हूँ। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपके पूरे विश्लेषण में एक प्रवणता जो मुझे बहुत सुकून देती है वो ये है कि आप ये मानते हैं कि ये चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और प्राकृत में संस्कृत का अतिक्रमण होता है और उसमें चमत्कारिक सौंदर्य जो है, भाषाई सौंदर्य जो है वो निखरता है, और इस लौकिकीकरण के क्रम में और भी कवि के पास औजार इकट्ठा होते हैं। ये बात मुझे बहुत सुकून, और ये बात मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगी जब आपने कहा कि कवि की स्मृति जो है लोक की स्मृति से बड़ी होती है, ज्यादा समृद्ध होती है, और उससे जो है कवि लोक की स्मृति को, भाषिक स्मृति को और विराटता प्रदान करता रहता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल वो भूली बहुत सारी चीजों को फिर से फिर बार बार ला ला करके वो लोक को देता है। वही मैं, लेकिन सर एक आपसे अपेक्षा है, और आपका काम चूंकि बहुत महत्वपूर्ण काम मैं मान रहा हूँ, इसलिए मुझे आपसे अपेक्षा है कि ये जो अपभ्रंश काल है, जो तृतीय प्राकृत आप कही है उसको, आपके बाद है, उसका और उसके बाद का 300 साल जो अंधकार में पड़ा उसके बाद ही तो आज का मामला, तो उसके ऊपर
थोड़ी ध्यान थोड़ा ध्यान आप रखें ताकि हमको ये बात स्मरण रहे कि हमारी भाषा एक तरह से नदी की तरह बहती भी रही है और समृद्ध भी होती रही है और उसके बाद जो हमारा पहला रजिस्टर है वो और भी बेहतर हुआ है और उसकी समृद्धि बढ़ी है। बहुत मदद मिलेगी आपको। बहुत धन्यवाद सर, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज आपने कही और मैं इसकी महत्ता को समझता हूँ। और इसमें मेरा ये हाइपोथेसिस ही है कि बाद वाली जो भी साहित्य की धाराएं हैं वो ज्यादा समृद्ध होती हैं संस्कृत की अपेक्षा। और परंपरा में कहा भी है, संस्कृतात् प्राकृतम श्रेष्ठम ततोपभ्रंश भाषणम। संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत श्रेष्ठ है और प्राकृत की अपेक्षा अपभ्रंश श्रेष्ठ है। प्राकृत इसलिए श्रेष्ठ नहीं है संस्कृत से कि प्राकृत अपने में बजाते खुद श्रेष्ठ है। प्राकृत इसलिए श्रेष्ठ है कि वो संस्कृत की समस्त भावधारा को लेकर के आती है। अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत दोनों को लेकर के आती है। लेकिन अपभ्रंश के बारे में मेरी अपनी सीमा है और शोध का समय भी सीमित है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपभ्रंश भाषा मुझे आती नहीं है। संस्कृत के कारण प्राकृत तो आती है थोड़ी बहुत कविताओं को पढ़ने के नाते। प्राकृत में बहुत सुंदर अपभ्रंश में बहुत सुंदर कविताएं हैं जैन मुनियों के, जैसे आपने दोहा कोश वगैरह की चर्चा की। मैं थोड़ा सा भी समय रहा तो मैं निश्चित रूप से अपभ्रंश को पढ़ना चाहूंगा और चाहूंगा कि ये पूरी तरह से संस्कृत से लेकर के आधुनिक भारतीय भाषाओं की सारी संवेदनाएं इसमें प्रकट हो। और ये बात प्रकट होकर के आए कि किस प्रकार भारतीय साहित्य एक दूसरे को चेन के तौर पे समृद्ध करती आई। और उसमें एक शर्त और भी है कि पिछली भाषा के अगर संवेदनाओं को लेगी अगली भाषा तभी वो समृद्ध हो पाएगी। अब मैं हिंदी के विषय में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन हिंदी में जिस प्रकार परंपराघात हुआ है वो उसको जन सामान्य से अलग करने का बहुत बड़ा कारण है। इसमें बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मत हो सकते हैं। वो उस प्रकार अपभ्रंश को विषय नहीं बना रही है या ब्रजभाषा को ध्यान में नहीं रख रही है, उसकी सारी रजिस्टर उसकी शब्दावली को ध्यान में नहीं रखती है जो कि इतना समृद्ध रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप संस्कृत की चीजें लीजिए, आप अपभ्रंश तक तो कम से कम जाइए। तो जिस अपभ्रंश और प्राकृत को संस्कृत और हिंदी दोनों वालों को पढ़ना था वो दोनों के द्वारा छूट गई, ये बहुत बड़ी विडंबना है। और वो ब्रीच जो बीच में गैप आया हुआ है वो हमारे हमको अपने अपने को अच्छी तरह से समझने में हमें असफल करता है। धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। I would just like to remark once before I call on Vishnu Dev that I don't think it's useful to compare languages by saying, oh, this language is more beautiful than that language, or this is more beautiful than that language. it's not a useful thing. I was telling about richness. Here. But one thing we can say is that in the history of Sanskrit literature, that the subsequent authors take advantage of all of the literary techniques of their predecessors and utilize them in their poetry to increase the chamatkar of their productions. So Vishnu Dev, would you like to say something? Did you leave the meeting? Vishnu Dev, unmute your... Hello. Haji? Yes, we can hear you. We can hear you. Aap sun rahe hain? Haji. Vishnu Dev ji, boliye. Haan, sir, maine Fakir Mohan Senapati ji ka Atmakathans padha tha. Aur usme Fakir Mohan Senapati ji ne बृहद कथा के बारे में लिखा था कि गुणाढ्य किसी राजा के यहाँ काम करते थे और उन्होंने शर्त हार गए जिसके कारण उनको जंगल जाना पड़ा। हेलो जी, जिसके कारण उनको जंगल जाना पड़ा, उन्हें पिशाचों की बस्ती में रहनी पड़ी और वहीं पर वो पिशाची भाषा में बृहद कथा ग्रंथ की रचना की थी। तो
मैं जानना चाहता हूं कि पैसाची भाषा और प्राकृत भाषा में क्या अंतर है। प्राकृत, जैसा कि विद्वानों ने बताया है कि पैशाची भी एक प्रकार की प्राकृत है, और पैशाच एक्चुअली जितने भी प्राकृतों के नाम हैं वो सब जियोग्राफिकल हैं। जैसे महाराष्ट्री है, शौरसेनी, शौरसेन, शूरसेन प्रदेश जो दिल्ली और ब्रज इत्यादि का था, मगधी आप समझ सकते हैं, मगध इत्यादि के, तो आवंती या ये सब, इसे पैशाच देश जो है वो संभवतः भारत का जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के साथ लगा होता था, उसको उसको पैशाच देश कहते थे, और वहाँ वो भाषा प्रचलित थी। और कहानियां तो बहुत होती हैं पिशाचों के बीच में रहना, और भूत भाषा भी उसको कहते हैं, भूत भाषा भी कहते हैं। तो गुणाढ्य जो है उन्होंने बृहत कथा अपनी पैशाची भाषा में लिखी, और पैशाची की एक बड़ी विशेषता है कि जितने महाप्राण हैं वो महाप्राण और घोष जो है वो अघोष अल्प प्राण हो जाते हैं। आप पंजाबी भाषा में ये देख सकते हैं, पंजाबी किसी बोलने वाले को देखिए तो वो झंडा को चंडा बोलते हैं, भाभी को पाभी बोलते हैं, तो भ को प होना, घर को कर बोलते हैं, तो घ का क होना, भ का प होना, और ध का त होना, भारत को पारत, भाई को पाई या प्राजी बोलते हैं। तो वो पंजाबी अभी भी पैशाची के उन गुणों को अपने अंदर कंटिन्यू किए हुए हैं। तो ये एक देश विशेष में, यानी प्रदेश विशेष में व्याप्त भाषा थी। और गुणाढ्य ने संस्कृत को छोड़ करके प्राकृत को, जैसा कि आपने कहा कि वो शर्त हार गए थे, उसके नाते उनको करना पड़ा, और बहुत महत्वपूर्ण है वो ग्रंथ, तो अब नहीं है लेकिन संस्कृत में उसके दो सोमदेव और क्षेमेंद्र के दो संस्करण मिलते हैं, बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर, जो बहुत प्रसिद्ध है। सर पिछली बात जो है, जैसे कि पटेल सर ने कहा कि प्राकृत के और एक द्राविड़ी रूप भी है, तो वैसे ही मार्कंडेय ने भी कहा है कि जो प्राकृत भाषा के उन्होंने भेद विवाह किए हैं उसमें भाषा में महाराष्ट्रीय, सरसनी, प्राचिया, आवंती, मागधी, अर्धमागधी आदि रखते हैं, वैसे ही विभाषा में उड़ीसा मूल के जो प्राकृत है ओडरी को रखते हैं। तो इस भी समय भी आपको अगर बेहतर होगा कि उस पर भी कुछ आप अपने रिसर्च में लें, मेरा यही सुझाव है। मार्कंडेय को बहुत ही क्रांतिकारी प्राकृत वैयाकरण माना जाता है, और वो उसी क्षेत्र के भी थे, और इसी अध्ययन के दौरान प्राकृत के जितने व्याकरण हैं उन सबको भी अध्ययन, सबको ठीक से पढ़ने की मेरी योजना है, और सर सर विश्वास करता हूँ कि उन सारे वैयाकरणों को पढ़ा जा सके। सर ओके, धन्यवाद सर, थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद सर आपका। Let me say that one very unfortunate result of the what I was talking about in my presentation a few days ago, with the emphasis on linguistics, using formal techniques, and ignoring cultural studies, is the divorce between linguistic study, particularly historical linguistics, and literary studies. And you can see from the discussion we're having here how important that relationship is. That linguistic study and the literary study have to go together in order to have full understanding of the productions of various poets in the history of Indian literature. I will try to reconnect these two things, sir. Literary and good. Linguistic studies of Prakrit. So are there any other questions? Anyone want to raise? If not, we can call it an afternoon and thank Balram for a very interesting presentation and for raising many, many very interesting issues in our minds and bringing our attention to the beauties of Prakrit, particularly Prakrit Shlesha. So thank you, Balram. Presiding over this session. Thank you. Thank you, Balram ji. Madam, kuch Alka, madam, kuch bol rahi hai. Ji.
धन्यवाद। मैंने महार्थ मंजरी का जिक्र किया कश्मीर शेरिज्म का, मैंने मैंने पकड़ा है उसको। थैंक यू, धन्यवाद। सभी ज्येष्ठ कनिष्ठ नेताओं को बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आप लोगों ने सुना तो इसकी सार्थकता हुई। Okay, I think that closes our afternoon session. Thank you.